हेलो सुप्रभात बच्चों, देखिए आजकल हम किसी का बर्थडे रहा, किसी की एनिवर्सरी रही शादी की, उसके बाद किसी को हमें गिफ्ट देना रहा, तो हम क्या करते हैं क्या करते हैं? अभी मोबाइल आ गए सभी के पास, तो हम मोबाइल से ही मैसेज करते हैं। अगर किसी का बर्थडे रहा तो हम क्या केक भी मोबाइल से ही भेजते हैं, है कि नहीं? तो लेकिन बहुत से जो लोग हैं या बच्चे हैं, वो अपने हाथों से सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड, जिसे हम कहते हैं बधाई कार्ड, बनाते हैं और बधाई कार्ड भेजते हैं। तो चलिए आज हम एक सुंदर सा बधाई कार्ड जो है किस प्रकार से बनाना है, और अपने जो दादाजी हैं, हमारे दादाजी का जन्मदिन है, जिस दिन आपके दादाजी का जन्मदिन होगा उस दिन आप जो है बधाई कार्ड बनाकर दादाजी को भेंट कर सकते हो। तो पेज नंबर 11 पर बधाई कार्ड हमें बनाना है, और बधाई कार्ड के लिए क्या क्या सामग्री लगती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। बधाई कार्ड जिसको हम ग्रीटिंग कार्ड कहते हैं बेटा अंग्रेजी में, बधाई कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड जिसे कहते हैं, ठीक है? तो देखिए आज जो हम बधाई कार्ड बनाने जा रहे हैं, उस बधाई कार्ड के लिए क्या क्या सामग्री लगती है मैं आपको यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख कर देती हूँ। सबसे पहले देखिए कागज, सामग्री मतलब क्या क्या लगने वाला है, जिसे हम साहित्य भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कागज लेना है, देखिए। उसके बाद पुरानी साड़ी, पुरानी साड़ी की लेस, ठीक है। उसके बाद टिकलिया, उसके बाद रंगीन कांच के छोटे छोटे टुकड़े, कैंची और गोंद, कैंची और चिपकाने के लिए गोंद आदि साहित्य सामग्री जो है हमें लगने वाली है, ठीक है? अभी देखिए हम जो ग्रीटिंग कार्ड बनाने जा रहे हैं उसके लिए मैंने एक कागज लिया है। सर कैमरा कर सकते हो नीचे? देखिए हमारे पास सामग्री है कि नहीं मैं आपको बताती हूँ। मैंने ली हुई है सामग्री, देखिए एक कागज लिया हुआ है मैंने बधाई कार्ड बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये पुरानी साड़ी की लेस है, ये लेस मैंने निकाली है, मम्मी की पुरानी साड़ी होगी या ड्रेस होगा और उसको डिजाइन रहती है, लेस जो है इस प्रकार की लेस रहती है। तो इस प्रकार की लेस जो है बनाकर निकाल कर हम ग्रीटिंग कार्ड को सजा सकते हो, ठीक है। ये भी लेस का ही एक प्रकार है, मेरे पास जो पुरानी साड़ी थी उस साड़ी को ये लेस और ये इस प्रकार से लगी हुई थी, तो जो मैंने निकाली हुई ये है, ठीक है। और यहाँ पर हमें टिकलियाँ जो है, टिकलियाँ भी आप ले सकते हो, लेकिन रंगीन कांच के छोटे छोटे टुकड़े। तो मैंने क्या किया है, देखिए थर्माकोल के रंगीन जो गोले हैं, है ना, दिखाई दे रहे हैं थर्माकोल के गोले, ये जो थर्माकोल के गोले हैं रंगीन, इन गोलों का हम उपयोग करेंगे कांच की जगह, क्योंकि कांच जो है यहाँ पर कागज को चिपकने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए मैंने गोले लिए हुए हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए कैंची है हमारे पास, दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को कैंची, एक कैंची मैंने ली हुई है, और
ये फेविकॉल है गोल्ड चिपकाने के लिए। तो जो जो साहित्य चाहिए वो साहित्य मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। उसके बाद देखिए इस ग्रीटिंग कार्ड को सजाने के लिए ये देखिए ये लेस जो है दिखाई दे रहे बेटा, लेस का मैंने फूल बनाया है और ये जो रेडीमेड फूल है ये रेडीमेड फूल का भी हम उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप रंगीन कागज अगर आपके पास है तो रंगीन कागज के भी सुंदर से फूल आप लोग बना सकते हो, यानी जितना आकर्षक आपको करते आता होगा उतना आकर्षक आप उसको बना सकते हो। ठीक है, तो अभी कैसे बनाना है साइड में रख देती हूँ। यहाँ पर देखिए ये मैंने कागज लिया हुआ है बेटा, इस कलर का कागज है। आप आपके मनपसंद का कागज जो है यहाँ पर यूज कर सकते हो। और इस प्रकार से कागज को मैंने कट किया है, देखिए इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर इस प्रकार से मैंने कागज की कटिंग की हुई है ऐसे, इस प्रकार से कागज ऐसा आकार दिया हुआ है और इस प्रकार से उसको उसका यानी शेप दिया हुआ है कागज को। ठीक है, तो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, कट मैंने कर लिया है ऑलरेडी, क्योंकि हमारे पास समय कम है इसीलिए मैंने ऑलरेडी बना के लाया हुआ है। उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो लेस है, ये जो लेस है इस लेस से थोड़ा उसको डेकोरेट करेंगे, यहाँ पर थर्माकोल से चिपकाएंगे। तो यहाँ पर मैं लेस को चिपकाने के लिए फेमिकॉल जो है हर स्टूडेंट्स के पास रहता है फेमिकॉल, तो देखिए यहाँ पर फेमिकॉल का उपयोग मैंने किया है। इस तरह से उसको ऐसा भी चिपकाएंगे सीधा, तो जिस आकार में हमें चिपकाना है उस आकार से हमें यहाँ पर ये फेमिकॉल जो है थोड़ा थोड़ा नीचे लगाना है। ठीक है, यहाँ पर ये जो लेस है इस लेस को मैं भी चिपका रही हूँ, देखिए यहाँ पर जहाँ पर अच्छी तरह से नहीं चिपक रहा हो वहां पर आप फेविकॉल डाल सकते हैं। यहाँ पर बेटा आप अगर नहीं चिपक रहा हो तो स्टेपलर का भी उपयोग कर सकते हो। ठीक है, अच्छी तरह से ज़्यादा अगर गोंद हमने लगा दिया तो बहुत अच्छी तरह से चिपक जाएगा।
इस प्रकार से हमें यहाँ पर चिपकाना है। बस गोंद थोड़ा ज्यादा लगा लो बेटा यहाँ पर। ओके, तो इस प्रकार से मैंने ये जो गोंद है, गोंद से ये जो साड़ी की लेस है उसको चिपका दिया है। इस प्रकार से दिखाई दे रहा है ना, देखिए ये जो लेस है, इस लेस को मैंने इस प्रकार से यहाँ पर, ये जो लेस है यहाँ पर इस प्रकार से उसको चिपकाया हुआ है, देखिए। ओके, यहाँ पर। और इस साइड में स्केच पेन से थोड़ी सी डिजाइन किए हैं, तो यहाँ पर हम अभी जो थर्माकोल के जो गोले हैं उस गोलों से भी हम उसको सजा सकते हो। तो जहाँ जहाँ हमें गोला चिपकाना है वहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा जो फेविकॉल है वो डालिए, इससे हमारे जो थर्माकोल के जो गोले हैं अच्छी तरह से चिपक जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो थर्माकोल के गोले हैं रंगीन है, जो कलर आपको चाहिए वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से पीले जो गोले हैं वो लिए हुए हैं मैंने, और एक एक जगह जो है दूसरे गोले चिपकाने के लिए रखी हुई है जगह थोड़ी सी, तो इस प्रकार से हम चिपका सकते हैं। ग्रीटिंग कार्ड बनने के लिए होने के बाद बेटा आपको भी होमवर्क है, आपको भी एक ग्रीटिंग कार्ड बनाना है और आपके परिवार में जिसका जन्मदिन पहले आता होगा उसको आपको भेंट करना है आपके हाथों से बनाया हुआ। तो एक एक रंगीन जो थर्माकोल के गोले हैं, जो कलर मुझे पसंद आ रहे हैं उस वह कलर चुन चुन कर मैं यहाँ पर चिपका रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सूखने के बाद ये बहुत अच्छी तरह से चिपक जाता है। इस प्रकार से देखिए बेटा, ये थोड़े गीले हैं, तो इस प्रकार से देखिए है ना, रंगीन गोले जो है मैंने चिपकाए हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। इस प्रकार से रंगीन गोले जो थे थर्माकोल के मैंने उसको लगाए हुए हैं, और उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो फूल मैंने बनाए हुए हैं अभी इस फूल को भी मैं यहाँ पर चिपका देती हूँ।
तो यहाँ पर आप आपके हाथों से कागज, रंगीन कागज जो है उस रंगीन कागज के बनाए हुए आपके हाथों से फूल लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये रेडीमेड फूल है। तो ये फूल जो है गुलाबी कलर का मैंने यहाँ पर चिपका दिया है ना, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। तो कैसा लग रहा है आपको ये बधाई कार्ड? और यहाँ पर देखिए ये जो संदेश है दादाजी को बधाई कार्ड देने का संदेश मैंने स्केच पेन से लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप और भी इससे भी अच्छा डेकोरेट कर सकते हो। और ये जो शेप आकार जो मैंने दिया है ग्रीटिंग कार्ड का, आपके मनपसंद का आकार आप दे सकते हो। और जितना ज़्यादा हो सकता है आप अच्छी तरह से उसको डेकोरेट करने की कोशिश करो यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर नीचे जो है मैंने इस पेपर को वाइट कलर का जो पेपर है वो चिपकाया हुआ था। और ये जो ऊपर का कवर है उस कवर के हिसाब से थोड़ी डिजाइनें बनाई थी स्केच पेन से, इस प्रकार की डिजाइन बनाई थी, ये वाली डिजाइन ऐसी बनाई थी। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है संदेश, क्या लिखा हुआ है कैमरा जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है बेटा आपको? देखिए पूज्य दादाजी सादर प्रणाम, जन्मदिन की बधाई, आपका पोता। अगर आप लड़की होगी तो पोती लिखिए और उसके सामने आपका नाम लिखिए। अगर लड़का है तो पोता लिखने के बाद उसके सामने आपका नाम लिखो। और इस प्रकार से सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड बनाकर आप आपके दादाजी को भेंट कर सकते हो। जिस दिन आपके दादाजी का जन्म होगा उस दिन जरूर और जरूर भेंट कार्ड बनाइए, आपके दादाजी को दीजिए। आपके दादाजी बहुत बहुत खुश होंगे और आपको ढेर सारे आशीर्वाद देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो ग्रीटिंग कार्ड है मैंने आपको किस प्रकार से बनाना है तो बनाने की यहाँ पर कोशिश की हुई है। तो आपको भी इस प्रकार का ग्रीटिंग कार्ड जो है बनाना है। और मुझे सेंड करना है, ठीक है? तो यहाँ पर हम रुकते हैं बेटा। यहाँ पर बधाई कार्ड कैसे बनाया जाता है उसकी जो कृति है मैंने आप लोगों को बताई और बधाई कार्ड बनाई, ठीक है? तो यहाँ पर हम रुकते हैं और एक बार फिर से इस तरह का बधाई कार्ड जो है इससे भी सुंदर बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है? धन्यवाद।